नमस्कार, मैं हूं सुशांत मुखर्जी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खास पेश 24 की चॉइस। और इस दौरान हम पहुंचे हैं धान का कटोरा कहे जाने वाले चंदौली लोकसभा क्षेत्र में। यहां पर बात की जाए राजनीति की तो यहां कांग्रेस, सपा और भाजपा का समय समय पर दबदबा रहा है, पर इस बार इस चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी से सिटिंग सांसद मैदान में हैं, तो वहीं सपा और कांग्रेस से मिलाकर गठबंधन का प्रत्याशी मैदान में दिखाई दे रहा है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में इनको कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में चंदौली लोकसभा क्षेत्र की जनता के मन में क्या है और 5 सालों में जो काम हुए हैं उससे जनता कितनी संतुष्ट है, तो चुनाव के इस सफर में हम जनता के दिल में क्या है ये जानने के लिए चंदौली लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में जाएंगे और जनता की बात करेंगे। तो चलिए हमारे साथ 24 के इस चॉइस के सफर में। चंदौली के जनपद में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर 24 में चॉइस किसका कर रही है जनता, ये जानने के लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। दरअसल ये वो इलाका है जिसे पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था चंदौली जनपद में, पर अभी इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जाता है। और हम यहाँ पर पहुँचे हैं इस बाज़ार में, लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो कैसे सोचते हैं। भाई साहब, इस बार जो चुनाव हो रहे हैं तो चंदौली में क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों के साथ आप लोग मतदान करेंगे, क्या दिखाई देता है? चंदौली का सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे मुगल शहर से बाहर आप आए होंगे, चंदासी कोयला मंडी। इतना ख़राब यहाँ है चंदासी कोयला मंडी कि आदमी बनारस जाता है तो पूरा सफ़ेद कपड़ा काला हो जाता है, और ये मंडी यहाँ से हटनी चाहिए, नहीं तो इसका कोई दूसरा वो होना चाहिए। और दूसरी बात, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। लड़के कौन सा फॉर्म भर रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरा जा रहा है लेकिन पता चला पेपर कैंसिल हो जा रहा है और किसी को नौकरी मिल नहीं रही है। सरकार के खाते में तो पैसा चला जा रहा है, पैसा तो वापसी हो नहीं रही है, लेकिन लड़के उसी में तबाह हैं। महंगाई और ख़ासतौर पर जो विकास है सड़कों का, उसका मुद्दा बता रहे हैं। क्या लगता है भाई साहब आपको, क्या इस बार चंदौली जनपद जो है वो पिछले 5 सालों में क्या देखा है और इस बार किन मुद्दों के साथ आप लोग फिर मतदान करने के लिए जाएंगे? हेलो, पिछले 5 साल में क्या, बल्कि जो 2014 में जो सब्ज बाग दिखाकर जो है बीजेपी यहाँ सत्ता में आई, वो उसमें कोई भी विकास के कार्य नहीं हुए। जो है आज सीमा ये है कि महंगाई और बेरोजगारी लोगों का कमर एकदम तोड़ चुकी है, बच्चे भी परेशान हैं, स्टूडेंट पढ़ने वाले परेशान हैं, जो है पेपर पेपर हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, जो है महंगाई अपने चरम सीमा पर है, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर, अभी तक 45 साल का जो है सबसे उच्च स्तर पर जो है महंगाई है इस वक्त जो है। इसलिए जनता इस बार जो है बदलाव के मूड में जो है बदलना चाह रही है जो है। ये तो अलग अलग सोच है, अलग अलग लोग हैं, वो अपने अपनी सोच बताएंगे। क्या लगता है भाई साहब आपको, इस बार जो चुनाव हो रहे हैं चंदौली की अगर बात की जाए तो चंदौली में पिछले 5 सालों में क्या कुछ आपको देखने को मिला और इस बार किन मुद्दों के साथ आप लोग फिर मतदान करेंगे? नहीं, चंदौली में तो खास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और ऐसे रहा कुछ विकास का बात, मोदी जी का कुछ काम अच्छा है जो जल जीवन मिशन वाला है, घर घर जल जा रहा है, सड़कों का जाल बिछाएं, लेकिन सबसे बुरा मोदी जी का योजना है जो कि बच्चों के लाइफ पे GST लगा दिया, शिक्षा में GST, किताब कापी पे GST, अभी अपने लड़की का नाम लिखाने बनारस गए जितना फीस था उसका 18% GST भरे हम लोग, महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं किए, बेरोजगारी पर कोई इनका कंट्रोल नहीं है। और चंदौली में कोई भी 10 साल में माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी भारी उद्योग मंत्री हैं, 10 बरस में कोई इंडस्ट्रीज का अगर स्थापना करवाए होते तो लोगों को यहाँ के रोजगार, युवाओं को रोजगार मिला होता। भाई साहब क्या दिखता है चंदौली में, आप लोग चंदौली के निवासी हैं, 5 सालों में क्या कुछ हुआ है और आने वाला दिन जो है मतदान का है तो क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव के समय? भाई, विकास का मुद्दा तो ज़रूरी है, विकास के मुद्दे पे ही सरकार आई थी, लेकिन कितना विकास की है जनता जानती है, जनता देखती है। आने वाले दिन में मतदान का है, उस दिन अपना जवाब जो हो कि दे देगी। आपको क्या नज़र आता है 5 सालों में कुछ चंदौली में बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है?
अभी तक तो जो छोटे छोटे सीमांत किसानों की जमीन एक्वायर कर ली गई, हाईवे बना दिया गया, भले उसका कंपनसेशन दिया हो, लेकिन अब तो उजड़ गए। अब तो रोड पर जो है घुमंतु जाति की तरह वो घूमेंगे। क्या दिखाई देता है आपको चंदौली में, पिछले 5 सालों में क्या बदलाव हुआ, क्या नजर आया? ओवर ब्रिज बना है, सड़कें बनी हैं, तमाम चीजें विकास हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं। तो कितना 5 सालों में जो आप लोगों ने उम्मीद की थी वो पूरा हुआ है? भाई 5 साल समय कम होता है, फिर मिलेगा, फिर होगा, विकास तो होता ही रहे। चलिए भाई सबसे बात करते हैं। भैया आप चंदौली के ही हैं, क्या दिखाई देता है चंदौली 5 साल में, क्या कुछ बदला है? बहुत विकास हो गया है, बाकी कैंडिडेट बाहर ही हैं भाई, बनारस के लोग हैं, चंदौली के तो हैं नहीं, तो जनता वोट मन नहीं बना रही है देने के लिए। वोट तो देना ही है। देना है कि नहीं देना है वो तो भगवान जाने, अब बाकी उम्मीद कम है, हम तो नहीं देंगे किसी को। भैया पान बना रहे कुछ बताएंगे आप? आप अरे आप पान बना रहे हैं, बाजार में बैठे हैं इतने दिनों से, वही करते हैं। कुछ बदलाव दिखता है आपके जीवन में, कुछ बदलाव आया? हमें नहीं मालूम है बेटा। गुस्से में बता रहा है कि सही में बता रहा है? गुस्सा किस बात का, क्या बदलाव देखा जाए? कल भी चूना कट्ठा लगाते थे, आज भी लगाएंगे, कल भी आने वाले समय भी चूना ही लगाना है हमको, बदलाव क्या दिखाई देगा हमको? जनप्रतिनिधि ने आपको चूना लगाया कि कत्था लगाया? अब तो वही बताएंगे ना। आपको क्या एहसास हुआ? अरे हमको क्या एहसास क्या होगा? आपका जीवन में कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया? नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो लोग जो है वो बता रहे हैं कि अपनी अपनी सोच है और अपने अपने मुद्दों को लेकर वो इस बार मतदान करने जाएंगे। हालांकि इस बार चुनाव की बात की जाए तो लगातार लोगों का यही कहना है कि इस बार जिस भी पार्टी का प्रत्याशी है वो बनारस से चुनाव लड़ने के लिए वो यहाँ पर आ रहा है। कुछ लोग और हैं, उनसे बात कर लेते हैं यहाँ पर और उनसे जानते हैं कि उनके दिल में क्या है, क्योंकि चूँकि चाय की दुकान है यहाँ पर बाज़ार में। और यहाँ पर जो है चर्चा इसी बात पर है कि चुनाव जो है वो किस तरीके से होगा। भैया आप चाय बना रहे हैं, ये बताइए कि बना चंदौली में कुछ बदलाव आया, क्या दिखता है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ काम वगैरह हुआ कि नहीं? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इस बार चुनाव में जब आप मतदान करेंगे किन मुद्दों के साथ करेंगे, क्या चाहिए? सपा चाहिए और क्या, अखिलेश बस। तो विकास कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, एकदम कुछ नहीं हुआ, आप देख लीजिए कहीं कुछ विकास नहीं हुआ। कुछ और भी लोग आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। चलिए आप उनसे बात करें ना, गोदी मीडिया से उससे बात। चलिए भैया इधर आइए, कुछ और भी लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। भैया कुछ बताएंगे? भैया आप तो यहाँ पर बैठे हुए हैं बाजार में, नोट बदल रहे हैं, पर ये जो आपका जीवन जो है कुछ बदला है 5 साल में, कुछ चेंज हुआ क्या लगता है? नहीं, अभी चेंज नहीं हुआ है और महंगाई बहुत बढ़ गई है, कमाई जिस ढंग से है उस ढंग से खर्चा ज़्यादा हो रहा है जी। आमदनी तो कम है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है। हाँ जी, बताइए लगातार ये लोग नेता लोग कह रहे हैं कि 5 साल में बहुत बदलाव हुआ है, क्या दिखता है आप? बदलाव बस के लिए यही हुआ है कि रोड जहाँ तक बना दिए हैं, बस यही विकास है, बदलाव है, और जगह जगह बनारस में घाट बना दिए हैं, यही सब बदलाव है और कुछ नहीं। आपका जीवन जो 5 साल पहले था और आज में क्या अंतर आया है, कुछ अंतर दिखाई देता है? अंतर यही दिखाई देता है कि जो पहले था अब उससे और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा वो करना पड़ेगा, फिर भी उतना नहीं कर पाएंगे, और जो पहले करते थे कम समय में ज़्यादा चीज़ मिल जाता था, अब वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण मानते हैं इसका, आम जनता क्या कारण समझती है इसका? महंगाई है भैया, महंगाई। लगाम नहीं लगे? नहीं नहीं, उस पर लगाम नहीं है, उस पर और लगाम बड़ा ही चला जा रहा है। क्या कहते हैं भाभी आप? बस महंगाई, केवल महंगाई कमर तोड़ रही है। 5 साल जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में कहा जाता है कि बहुत बदलाव हुआ है, क्या दिखता है आप? नहीं, बदलाव में जैसे देश का विकास के लिए तो तमाम साधनें उपलब्ध हुई है, ऐसा बात नहीं है, मगर महंगाई पर रोक हो जाए तो मजा आ जाए। महंगाई मुख्य मुद्दा है, मेन मुख्य मुद्दा महंगाई है, हम लोग जैसे आदमी के लिए तो बहुत ही तकलीफ है, क्या बताएं। तो चंदौली के जो लोग हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं कि उनके लिए कहीं ना कहीं से महंगाई जो है वो बता रहे हैं कि एक मुद्दा जरूर है। क्या लगता है आपको, 5 साल बीत गए फिर से एक बार चुनाव आ गया है,
दावे किए जा रहे हैं कि बहुत बदलाव हुआ है चंदौली में, क्या दिखता है? जुमलाबाजी किया जा रहा है, दावा का मतलब कि झूठा। जो बदलाव हुआ है पूरी जनता हमारी देख रही है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब चरम सीमा से बढ़ता जा रहा है, इस पर कोई अंकुश नहीं है। खाली पेपर में हवा हवाई यह हो गया तो यह हो गया वह, अभी भाई साहब ने बोले हैं आपको, टोटल हकीकत बतलाए हैं। आज देश की जनता ऐसे कि पाकिट में 5 रुपया नहीं कि हम चाय पी सकते हैं। तो चंदौली की जनता है जो बता रही है कि इन 5 सालों में जो उम्मीद उसने की थी उस उम्मीद पर तो काम नहीं हुआ, पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए तो उसमें विकास जरूर हुआ है। फिलहाल हम चलते हैं चंदौली के बाकी जगहों पर जाएंगे और वहाँ पर जानेंगे कि जनता के दिल में क्या है और जो उम्मीदें थी जनता को वो उम्मीदें कितनी साकार हो पाई है और इस बार किस उम्मीद के साथ वो फिर मतदान करने के लिए 1 जून को मतदान केंद्रों पर जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ चंदौली लोकसभा क्षेत्र में इस समय हम मौजूद हैं और इस वक्त हम पहुँचे हैं पंडित दीनदयाल जंक्शन स्टेशन के पास और यहाँ पर हम कुछ लोगों से और बात करेंगे कि हालांकि इस बार जो चुनाव है चंदौली में वो त्रिकोणीय नज़र आ रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो कि यहाँ पर मौजूदा सांसद है महेंद्रनाथ पांडे, तो दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं बसपा भी लगातार इस चुनाव में जो ये मुकाबला है उसको कांटे की टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं, ये बताइए कि इस बार का चुनाव में क्या दिखाई दे रहा है आपको? बहुजन समाज पार्टी की जीत दिखाई दे रही है। किस आधार पर? इस समय महंगाई बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा है। इस गवर्नमेंट में महंगाई बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि हर व्यक्ति, हर व्यापारी, गांव देहात का किसान, मजदूर सब परेशान है। तो हम लोग जब चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं प्रचार करने तो ये दबी जुबाने बात आ रही हैं और भाजपा ने जिस तरीके का भय बना रखा है, लोग खुलकर उसका विरोध तो नहीं कर रहे हैं लेकिन वो भाजपा की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये क्लियर सी बात है कि वो जो भी वोटिंग होगी उसमें हमारा साइलेंट वोटर हमारे साथ खड़ा है। हमारे पास मौर्या समाज का 2 लाख वोट, दलित समाज का कोर वोटर 2.5 लाख वोट, हम 4.5 लाख वोट से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जितनी संख्या बढ़ेगी वो हमारे जीत में उतना बड़ा मार्जिन पैदा करेगी। क्या दिखाई देता है आपको इस बार चंदौली की जनता किस तरफ जा रही है और इसका कारण क्या है? जी, बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा रही है। इसका क्या कारण मानते हैं? इसका कारण है महंगाई और बेरोजगारी। नौकरी के लिए झूठा बोले थे, 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली और सड़क रास्ते के लिए और जो भी बहन जी काम किए हैं माननीय कांशीराम आवास, वो लड़कियों को जो साइकिल दी थी, आज भी स्कूल कॉलेज का निर्माण हुआ था, जितना भी काम हुआ है जैसे माँ माया पेंशन आज बंद के कागार पर है, सबको मिलता था, एक बराबर सर समाज को मिलता था। इस समय बहुजन समाज पार्टी से ज़्यादातर लोग जुड़ रहे हैं। क्या दिखाई देता है चंदौली का मूड क्या है इस समय? सर, बहुजन समाज पार्टी को वोट पड़ने का बढ़िया से वोट पड़ेगा। हाँ, बहुत बढ़िया पड़ेगा बहुजन समाज पार्टी को। तो लगातार लोग अपनी अपनी सोच को व्यक्त कर रहे हैं कि किस तरह से इस बार जो है मतदान है वो होने हैं। हम लगातार चंदौली के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं और वहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि चुनाव को लेकर के उनके दिल में क्या है। भाई साहब, क्या दिखाई देता है चंदौली में आपको? विकास हुआ है 5 सालों में, कुछ दिखता है? बहुत ज़्यादा हुआ विकास। क्या दिखाई देता है? दिखाई दे रहा है जनता खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, विकास के मामले में तो बहुत बढ़िया है और हमारे मानिया जी भी बढ़िया है। भाई, विपक्ष में जो भी खड़ा रहेगा तो भाई अपना कार्य तो करेंगे ही लेकिन उनके कोई भी गलत कार्य नहीं है। इस बार चुनाव में मोदी, क्या लगता है आपको? क्या लगता है इनकी बात से कितना सहमत? सहमत है। क्या दिखाई देता है 5 सालों में चंदौली में? जी, मैं तो चंदौली का हूँ नहीं, बिहार का हूँ। बिहार से जब चंदौली आते होंगे, पहले भी आते होंगे, अभी भी आते हैं, तो 5 सालों में क्या बदलाव दिखाई दिया? बहुत बदला है, बहुत कुछ बदला है। क्या क्या बदला? और बढ़िया रोड सब ठीक ठाक है, नाली वाली सब बन गया है। शिक्षा में भी ठीक ठाक है,
सब कुछ बढ़िया। क्या लगता है आप लोग, क्या काम करते हैं आप? अब कुछ सही है, खाली महंगाई ज्यादा है, बाकी सब कुछ सही है। इस बार मतदान होगा महंगाई के मुद्दे पे, हम सपा को लाएंगे बस। वो तो अलग अलग लोगों की विचारधारा है, उससे बात करते हैं। भैया आपको क्या लगता है, बस चंदौली में कितना काम हुआ है? काम तो हुआ है, मगर महंगाई की अपेक्षा क्या हुआ है, महंगाई बहुत ज़्यादा चल रहा है इस समय। कमाना खाना और महंगाई से कभी सब्जियां तो आसमान छू रही हैं, क्या किया जाए। रोजगार भी नहीं है कोई, रोजगार भी तो ज़रूरी है, लड़के पढ़े लिख रहे हैं, रोजगार मिल नहीं रहा है, रोजगार भी ज़रूरी है। मतलब आप कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर तो हुआ पर महंगाई पर नियंत्रण नहीं? हाँ, नियंत्रण नहीं है, इसको नियंत्रण करना ज़रूरी है। तो लोग लगातार इस बात से कह रहे हैं कि चंदौली में विकास तो हुआ है, पर जो उनके अंदर एक उम्मीद थी, उस उम्मीद के मुताबिक चंदौली नज़र नहीं आता। हालांकि ये कुछ लोगों की अपनी सोच है, फिलहाल हम अपने इस सफ़र को जारी रखे हुए हैं, आगे चलेंगे चंदौली लोकसभा सीट की दूसरे इलाकों में और वहां पर भी जानेंगे कि जनता के दिल में क्या है और उस चुनाव को लेकर क्या सोच रही है। चंदौली के हम कस्बे इलाके में हैं और चंदौली का ये ग्रामीण इलाका माना जाता है, और यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पर भी लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर चंदौली के लोकसभा क्षेत्र को लेकर के वो पिछले 5 साल के कार्यकाल में कितना संतुष्ट हैं और इस बार वो चुनाव को किस तरीके से देखते हैं।